लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द एम्बेसडर्स लाउंज। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते सऊदी जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अटैक हुआ था, जिसके नतीजे में जो उनकी ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटी अब केक में है उसकी जो प्रोडक्शन थी वो 50% अफेक्ट हुई थी। और इसी तरह खुरेज जो ऑयल फील्ड्स हैं उस पर भी अटैक हुआ था। इमीडिएटली आफ्टर दीज अटैक्स द हुतीस क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अमेरिकन जो थे उन्होंने हुतीस के क्लेम को रिजेक्ट किया एंड दे सेड दैट इट ईरान वॉज बिहाइंड दीज अटैक्स। इमीडिएटली आफ्टर दैट माइक पोम्पियो जो थे वो सऊदी अरेबिया और यूएई की विजिट पर चले गए टू डिस्कस द एक्शन अगेंस्ट द ईरान। इरानियंस रिजेक्टेड द क्लेम्स, उन्होंने कहा नहीं जी हमारा तो इसमें कोई नहीं है। और फॉरेन मिनिस्टर जवाद जरीफ ने जो सीएनएन के साथ इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली रिजेक्टेड ऑल अजम्पशंस दैट ईरान वाज बिहाइंड दिस। और उन्होंने ये भी कह दिया साथ कि अगर कोई ईरान पे अटैक होगा तो ईरान विल नॉट ब्लिंक। टू डिस्कस द इशू वी हैव विद अस एम्बेसडर तारिक जमीर, एम्बेसडर रियाज बुखारी and Ambassador Asif Durrani. Gentlemen, how are you? Very fine, thank you. Wonderful, Imran. How are you? Thank you very much. There's a change in the weather. Yeah. The long hot summer is finally coming to an end, Asif. Mashallah. Happy about it? Yes, very happy. Okay. Yeah. Let's come to the topic. Let's start with Ambassador Bukhari. Yes. The Saudis, the Americans, they have been saying that in these attacks there are Iranian fingerprints. Do you think there is Iranian hand behind these attacks as well? Thank you, Ambassador Imran Jawahar. आपने मुझे मौका दिया कि आपकी discussion में मैं हिस्सा ले सकूं। जैसा कि आपने अपने introduction में कहा कि last week जो सऊदी अरेबिया की ऑयल इंस्टॉलेशन के जो अटैक हुआ, पहले उसको नाम दिया गया कि ये मिसाइल्स हैं, फिर कहा गया ये लोअर कैटेगरी के जो आर्म्स हैं वो यूज़ किए गए हैं, लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा गया कि ये ईरान की तरफ से अटैक आया। अलबत्ता हूती रेबल्स जो यमन में सऊदी अरब के जो अलाइड फोर्सेस है वहाँ पर उनके साथ जो वो मुकाबला कर रहे हैं, उन्होंने फौरन ऐलान किया कि जी इन अटैक्स में उनका हाथ है और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी इसकी कबूल की। लेकिन सऊदी अरेबिया ने ऑफिशियली उस वक़्त तक ईरान पे कोई ऐसा इल्ज़ाम आयद नहीं किया था कि इसके पीछे ईरान का डायरेक्ट कोई हैंड है। अलबत्ता वाशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप से लेकर सीनियर ऑफिशल्स तक की जो आप ट्विटर्स और उनकी स्टेटमेंट्स देख लें उसमें सरासर ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि इस अटैक के पीछे ईरान का बराह रास्त हाथ है। लेकिन इस हवाले से उन्होंने कोई कंक्रीट एविडेंस पेश उस वक्त तक नहीं किया। बाद में सऊदी अरब के जो मसला अफवाज के जो तर्जमान हैं उन्होंने अपने प्रेस ब्रीफिंग में कुछ ऐसा एविडेंस, कुछ ऐसी न्यूज़ रील पेश की जो कि ये साबित करने में शायद मुआवन साबित हो सकती हैं कि ये अटैक जो है ये शमाल से आया है, यमन से शायद नहीं आया, या इसके पीछे ईरानियन हैंड इस हद तक शायद हो कि कोई टेक्निकल सपोर्ट जो है वो उस तरफ से आई हो। मैं ये समझता हूँ कि इतनी सोफिस्टिकेशन जो तकरीबन 22 अटैक्स दो फैसिलिटीज़ पर हुए हैं, 22 जो आम जो हैं वो मिसाइल से कह लें आपके वो यूज़ किए गए हैं और बड़े टारगेट्स पे जाके वो लगे हैं, जिससे कि ऑयल की सप्लाई जो सऊदी अरब की है उस पर बहुत ज़्यादा मनफी असर जो हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि सऊदी अरेबिया की और यूएसए की जो आपने जैसे आउटक्राई रेफरेंस यूज़ किया ये शायद प्री मेच्योर है, ये उस वक्त तक किसी भी नेबरिंग कंट्री पे डायरेक्ट इल्ज़ाम आयद नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि कोई क्रेडिबल बॉडी इसका कंक्रीट एविडेंस ना पेश करते। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि पिछले 3-4 साल में जो अलाइड फोर्सेज हैं यमन में उन्होंने यमनी हूतीस को कितना नुकसान पहुँचाया,
आज मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि वहाँ 1 लाख से ज़्यादा सिविलियंस को मार दिया गया। जब इस किस्म का जानी नुकसान हो और तो हमें ये देखना चाहिए कि दूसरी तरफ से भी कुछ ना कुछ जवाबी इकदाम होगा। और ये मेरा ख्याल है, पहले तो एयरपोर्ट्स पे और दूसरी इंस्टॉलेशन पे अटैक होते थे, लेकिन जो मिसाइल गिरते थे वो एयरपोर्ट से वो 10 किलोमीटर दूर गिरते थे। अब की बार बड़ा स्पेसिफिक टारगेटेड ऑपरेशन किया गया है और इसके पीछे कोई ना कोई हाथ होगा। क्या वो हाथ ईरानी नहीं है? अभी ये प्रीमैच्योर है कि हम इसको किसको मारें। बहुत शुक्रिया रियाज। आसिफ, आपकी तरफ मैं आता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में कहा कि जी ये तो ईरान ने किया है, एंड ही सेड वी आर लॉक्ड एंड लोडेड। उसके बाद देयर वाज अ टोनिंग डाउन ऑफ हिज रेटोरिक। अब उन्होंने कहा कि जी अब आप इन पे सैंक्शंस लगाएं और ज़्यादा स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगाएं। तो पहले ही काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगी हुई हैं, उनकी इकॉनमी जो है वो ड्राई अप होती जा रही है, ऑयल एक्सपोर्ट्स उनकी मिनिमम आ गई हैं। उनके जो सेनेटर लिंडसे ग्राहम हैं उन्होंने कहा कि जी दीज सैंक्शंस विल फॉल शॉर्ट, ही इज आस्किंग फॉर स्ट्रॉन्गर एक्शन अगेंस्ट द इरानियंस। आप मुझे ये बताइए कि ये जो सैंक्शंस अब और लगाना चाह रहे हैं, अब क्या सैंक्शंस अचीव करेंगे, अब और कितना आप उनको क्या करेंगे? वो तो बिल्कुल ही नीचे आए हुए हैं पहले ही। जी शुक्रिया इमरान। ये सैंक्शंस की जहाँ तक बात है, उसने अमेरिकन्स ने तो अपना अल्टीमेट जोर लगा चुके हैं, क्योंकि ईरान का जो मेन रेवेन्यू अर्नर है वो ऑयल है और वो उसका 85% रेवेन्यू अर्निंग आती है उससे। तो वो ऑलमोस्ट इस वक्त ये पहले 2.7 मिलियन बैरल्स पर डे एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो कि कम होकर अराउंड 2 से 3 लाख बैरल पर डे पे आ गई। और इसका ये असर हुआ है कि इवन अब चाइनीज़ जो है वो जबकि डिफाई कर रहे हैं, अब उन्होंने आइंदा के लिए कहा कि वो मज़ीद ऑयल ख़रीदेंगे। लेकिन इसी तरह रशियंस ने भी अमेरिकन सैंक्शंस को जो है वो इम्प्लीमेंट करने से इनकार कर दिया है। तो बात यह है कि इस किस्म के सैंक्शंस ने इनफैक्ट ईरान के अंदर जो है अमेरिका के ख़िलाफ़ और ज़्यादा जो है रिएक्शन पैदा किया है। अमेरिकन्स का ये ख्याल था कि इस तरह के सैंक्शंस से वहाँ ईरान में अनरेस्ट फैलेगा और वो शायद दैट वुड लीड टूवर्ड्स रिजीम चेंज, लेकिन वो ऐसा हो नहीं सका और मुझे नहीं लगता कि वो मुस्तकबिल करीब में ऐसा हो सकेगा। लिहाजा ये मेरे ख्याल में दे वांट टू हेड टूवर्ड्स एस्केलेशन, जिसकी तरफ ये इशारा किया, क्योंकि अभी आपने पूरी इंक्वायरी की नहीं अबाउट द ड्रोन अटैक्स एंड मिसाइल अटैक्स ऑन आरामको फैसिलिटीज़, और आपने छूटते ही जो है वो शक का इशारा ईरान की तरफ कर दिया। तो इससे ये बात लगता है कि उन्होंने जो है उनके एक प्री कंसीव नोशन ईरान के बारे में मौजूद है, एक प्रिटेक्स्ट की तलाश में है। लेकिन इसके साथ ही ज़रूरत इस बात की है कि आप ये देखें कि आया अमेरिकन्स इस को जंग की तरफ ले जाने के लिए तैयार हैं या नहीं, खुद सऊदीज इस जंग के लिए आमादा हैं या नहीं, और आया ये जंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट अगले सवालात हैं जो इन इल्ज़ाम से रिलेट करते हैं, और इसके लिए उनको हमें जो है उनके जवाब को तलाश करना होगा। वुड यू से, आई मीन वंस द अमेरिकन्स हैव नाउ, वुड यू से दैट द अमेरिकन्स आर रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस? It's not the question of option, it is the question whether American credibility is there in the region. Reason being that now it is China and Russia whose credibility has increased in the region after Iraq and Syrian episodes, where Russia and Iran together, they could defeat Daesh and ISIS. Mm-hmm. And Americans in fact withdrew from Syria. So it has increased the credibility of Russia as well as China, because China has been with Iran throughout, right from nuclear negotiations till the signing of the JCPO, which is nuclear deal. And then when Americans slapped sanctions against Iran, China refused to accept it. So was the case with Russia.
तो उसमें अमेरिकन ऑप्शंस जो है वो चाहे जितने भी उनका आखिरी ऑप्शन जंग हो जाएगा, लेकिन आया वो जंग के लिए भी अमेरिका खुद तैयार है, क्योंकि अमेरिका तो अभी उन्होंने अपना एक ऑप्शन लूज कर दिया अफगानिस्तान में, उन्होंने जो है नेगोशिएशंस को जो है वो कॉल ऑफ करने के बाद अब तो उनके ट्रुप मजीद कमिट हो गए हैं अफगानिस्तान के अंदर। ना तारिक, आपकी तरफ मैं आता हूँ, इसी लाइन को जो आसिफ इस चीज पे डिस्कस कर रहे थे, इसी को आगे बढ़ाते हुए मुझे ये बताएं कि ये जो सैंक्शंस अनाउंस किए हैं इन्होंने, आर दिस सैंक्शंस अ सब्स्टिट्यूट फॉर मिलिट्री एक्शन और आर दे जस्ट अ प्रील्यूड टू द मिलिट्री एक्शन? ठीक है, थैंक यू इमरान। मुझे थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाने दें। ये जो लेटेस्ट फेज है सैंक्शंस का, ये 1979 से शुरू होता है बायलैटरल का। इससे पहले भी अगर आप देखें मुसद्दक के जमाने में भी सैंक्शंस लगी और इन अ डिफरेंट वे, मकसद ये था कि जी डिस्टेबलाइज करें, अपनी मर्जी का ऑयल खरीदें। अगर आप हिस्ट्री में जाना चाहें तो बड़ी फैसिनेटिंग हिस्ट्री है, वो कभी काम की कभी नहीं की। लेटेस्ट फेज ये 1979 में जब शुरू हुआ है, जब इन्होंने वो एम्बेसी वाला इंसिडेंट हुआ था तेहरान में, तो अमेरिका ने तब लगाई थी सैंक्शन। वो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत थी, 12170 उसका नंबर था और वो इम्पोर्टेंट था। उसमें भी इन्होंने ये किया था कि 12 बिलियन के करीब ईरान के जो एसेट्स थे वो इन्होंने फ्रीज कर लिए थे, जिसमें गोल्ड था, बैंक अकाउंट्स थे। तो सोचा आज से 40 साल पहले 12 बिलियन डॉलर जो थे वो काफ़ी बड़ी रकम थी। ये जो सैंक्शन थी ये फिर लिफ्ट की इन्होंने अंडर एलजीआर एकॉर्ड, और फिर कुछ हालात थोड़े से बेहतर हुए। फिर 1987 में रेगन ने दोबारा ये सैंक्शन इनके ऊपर लगाए। अच्छा, ये सैंक्शन जो थी फिर इनको 1995 में इन्होंने एक्सपेंड कर दिया, और इसमें इन्होंने क्या किया कि उन सारी फर्म्स को भी शामिल कर दिया जो कि ईरान के साथ डील करेगी। मैं आपको ब्रॉडली बता रहा हूँ ताकि आपके सेम में कुछ चीज़ें रहें। फिर 2006 में यूएन सैंक्शन का जमाना शुरू हुआ। तो जो यूएन सैंक्शन का सबसे पहला जो इनका वो था रेजोल्यूशन था, वो था जी सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1696 फॉलोड बाय 1737, देन 1803, 1835, 1929 और 1984 एंड 2231। फिर ये जब ईरान के साथ इनका न्यूक्लियर पे कुछ हालात बेहतर होना शुरू हुए तो उन्होंने ईरान को आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी थोड़ी छूट देनी शुरू की। अब जो लेटेस्ट है, अभी इन्होंने अमेरिकन ने जो अपना शुरू किया है वो दे हैव रियलाइज ओवर द टाइम कि जी हर जगह फौज भेजना ठीक नहीं है। फाइनेंशियली इनको स्पीस किया जाए, जो भी मुल्क किसी की बात नहीं मानता, थ्रू FATF किया जाए, बायलैटरल किया जाए, UN के थ्रू किया जाए, ताकि उनको बिल्कुल आप स्क्वीज कर दें, उनको बिल्कुल बांध के बिठा दें। अच्छा, ये सैंक्शन ऐसी हैं जो गैर महसूस तरीके से काम करती हैं। अगर आप फौजी भिजवा देते तो हर किसी को नजर आते हैं, लेकिन जो सैंक्शन जो फाइनेंशियल सैंक्शन है खासतौर पर, ये काम हथियारों से भी बुरा करती हैं और ये आपको हर्ट बहुत करती हैं, नजर नहीं आती। तो अभी जो लेटेस्ट सैंक्शन हैं ये इन माय व्यू ये बोथ एक प्रीकर्सर भी है और टू सम एक्सटेंट ये सब्स्टिट्यूट भी है। इसमें इनको एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी कि जी इसमें ये अपना वर्कआउट कर सकेंगे, ये सैंक्शन हमारे किस हद तक काम करती हैं, रीजन में क्या होता है, स्पेशली रशिया एंड चाइना कैसे बिहेव करते हैं। इंडियंस तो वैसे ही बेचारे इस मामले में बेचारे ही, उनको कहना चाहिए, वो हमेशा ताकतवर की साइड लेते हैं और उन्होंने हमेशा अमरीका के प्रेशर के अंदर से काम करते हैं, तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बाकी अगर आप गल्फ स्टेट्स को देखें वो तो वैसे ही अमेरिका के आप कहने के वो हैं। तो रशिया कैसे करेगा, चाइना कैसे करेगा, मे बी इन अ लेटर क्वेश्चन मैं इसको फर्दर एक्सपेंड कर सकूं। तो इसलिए सैंक्शंस ये इंपॉर्टेंट हैं, अमेरिका को ये टाइम देगा कैलकुलेट करने के लिए अमरीका को, और जो नए खिलाड़ी इस वक्त आपके मैदान में है इन टर्म्स ऑफ ऑयल प्रोडक्शन, ऑयल सप्लाई जो है, अगर आप देखें कि उस पर ईरान के पास तेल की कितना वाफर है और सऊदी अरब के कितना वाफर है, तो ये क्या रीजन है कि जब अटैक हुआ है शुरू में, ये जब अभी नया जो फेज शुरू हुआ है, तो ये ऑयल इंस्टॉलेशन से ही काम क्यों शुरू हुआ है? इट मींस कि इस वक्त आपके पास मार्केट में नए सप्लायर्स मौजूद हैं और नए सप्लायर्स या नए खिलाड़ी उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि पुरानों की टांगे ना तोड़ दें या वो पुरानों को नकारा ना कर दें। तो अगर मैं इसमें रेफरेंस भी दे सकता हूँ, अगर आप इसमें फर्दर डिटेल में जाना पढ़ते हैं, जब वो बाय द नेम द कोल्ड वॉर वो आप पढ़ें तो आपको ये सारी चीज़ें फर्दर क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी इमरान, मेरे ख्याल में जो तारिक ने बड़े वैलिड पॉइंट उठाए हैं, लेकिन साथ में ये देखना चाहिए कि ये जो अमेरिकन सैंक्शन इस वक्त इट्स नॉट ए यूनिफॉर्म वर्ल्ड एनीमोर। तो अगर अमेरिकन ये समझते हैं कि उनके सैंक्शन से जो है ईरान के अंदर तब्दीली आ जाएगी या ईरान को स्क्वीज कर देंगे,
वो अब उतनी बात नहीं रही. मसलन रिसेंटली हमने आपने अभी लास्ट वीक की बात है, चाइना ने तकरीबन $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उनके दरमियान एग्रीमेंट, उसमें $280 बिलियन जो है वो उसके ऑयल गैस सेक्टर के लिए और अनदर $120 बिलियन फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल पैराडाइम है वो शिफ्ट हो रहा है. वो शिफ्ट ये हो रहा है कि उसमें जो एमर्जिंग पावर्स हैं लाइक चाइना और लाइक रशिया, ये इन्होंने भी उसको जो है अमेरिकन मोनोपोली को चैलेंज किया है और उसका ये नतीजा निकला है कि $400 बिलियन कोई मामूली रकम नहीं है. यकीनन वो एक दिन में जो है वो खर्च नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो ईरान की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को भी आपको देखना होगा. ईरान के जो इस वक्त ऑब्सोलीट जो होता जा रहा है ऑयल प्रोडक्शन मशीनरी, यू हैव टू दे नीड इन्वेस्टमेंट इन दैट सेक्टर और अमेरिका वगैरह की तरफ से नहीं आ रही थी. लेकिन उसमें अमेरिकन के लिए चैलेंज बढ़ गया है. अमेरिकन के लिए चैलेंज ये बढ़ गया है कि उन्होंने सऊदीज और अमारातीज के साथ यमन के अंदर ये किया कि $300 बिलियन का असला बेच दिया, उनके लिए जंग सूट करती थी. लेकिन उनके नतीजा क्या निकला, वो अब तक यमन में फंसे हुए हैं. लेकिन यहाँ पे रशिया ने ईरान के साथ मिलकर दाइश को शिकस्त दी और वहां से युवा के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनमें रशिया का जो इज्जत है वो बढ़ गई. तो मैं ये इसमें एक इजाफा करना चाहता था कि ये चीजें जो हैं इसको हम एक नजर से नहीं देख सकते, क्योंकि इसके कई फैक्टर्स हैं. और इस वक्त जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो एक हॉटस्पॉट बना हुआ है और इत्तेफाक से सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं और वो एक दूसरे के जो है दसो गरीबा हैं, तो ये एक लम्हा फिक्रिया है कि उसके अंदर वो ये कंट्रीज को ये सोचना होगा कि उनके दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है. सही कह रहे. और अब आई मीन यूएस इज आल्सो बीइंग टेस्टेड इन द गल्फ, कितने किस हद तक वो अपने गल्फ पार्टनर्स के साथ स्टैंड करेंगे. और जब अब उन्होंने तो कह दिया सऊदी अरेबिया से कि जी आप यू टेक द लीड एंड द सऊदीज डोंट वांट द वॉर. बिल्कुल. तो एक अजीब सा आई डोंट आई थिंक ईरान नोज के द अमेरिकन्स कैन नॉट बी ट्रस्टेड एंड ग्रेजुअली दीज गल्फ कंट्रीज विल ऑल्सो कम टू रियलाइज दिस थिंग. आई विल ऑल्सो लाइक टू आस्क अनदर क्वेश्चन. सऊदी अरेबिया हैज बीन अटैक्ड, ठीक है जी. अब आप मुझे ये बताएं कि उनके ऑप्शंस क्या है, अब वो क्या करें. वो तो वो अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि जी आप आके कुछ करें, यू टेक द लीड. अमेरिकन्स कहते हैं कि जी हम तो अपने लोग नहीं मरो. ये ट्रंप की पॉलिसी भी रही है, उनके स्टेटमेंट्स भी हैं कि आई वॉन्ट टू विदड्रॉ द फोर्सेस फ्रॉम अब्रॉड. तो अब सऊदी अरेबिया के पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? सऊदी अरेबिया के पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं. वजह यह है कि इस वक्त जो वहाँ रीजन के अंदर जो टेंशन है, एक तो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया फंसा हुआ है यमन के अंदर. उनका ये ख्याल था कि ये 2 हफ्ते के अंदर ये जो है बाजी इनके हक में आ जाएगी, लेकिन उसको अब 3.5 साल हो गए इस जंग को. और उनका तकरीबन ये अगर आप $300 बिलियन का असला ये शामिल कर लें और उसके अलावा दे आर स्टिल काउंटिंग देयर लॉसेस, तो फिर आप समझिए कि ये कहाँ जाएगा. और अगर खुदा ना खास्ता ये ईरान के साथ अगर जंग शुरू हो जाती है तो फिर जो है ये बताएं कि सऊदी अरबिया कहाँ स्टैंड करेगा. उसकी जितनी जो ऑयल के रेवेन्यूज़ हैं ये सारे के सारे जंग के अंदर पहुँच जाएंगे. अगर आपको याद हो तो ईरान इराक की जो वॉर थी 8 साल की, उसके अंदर ईरान के अपने ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि दे लॉस्ट टू द ट्यून ऑफ $1 ट्रिलियन. तो अगर ये हम और वो भी अगर आज के आप वैल्यू के मुताबिक उसको जो अगर आप इक्वेट करेंगे तो वो $2 ट्रिलियन से भी बढ़ जाता है. तो ये एक मैसिव डिवास्टेशन की बात होगी. तो सऊदीज के ऑप्शंस जो हैं वो ऑप्शन ये है कि उनको डिप्लोमेटिक ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए. आई थिंक दे शुड लुक फॉर सम मीडिएशन, क्योंकि और इसमें ईरान को भी जो है वो अपना फुटप्रिंट को हल्का करना पड़ेगा. ईरान के जो है हुतीस के साथ मिलकर यमन के अंदर जो ये जो चेंज के जो हुआ ये बिल्कुल गलत था. उनका इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल सिरे से गलत थी. उनका क्या दखल था सऊदी अरब के जो है बैकयार्ड में जाके इस तरह की मुदाखलत करने की. इसी तरह ईरान को जो है वहाँ पे मिडिल ईस्ट के जो जितने स्टेट्स हैं खासकर ये गल्फ स्टेट्स हैं उनका जो है ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा. उनका कम्फर्ट लेवल उनको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो सारी छोटी स्टेट्स हैं. ईरान इस खिते का बड़ा मुल्क है जो मिडिल ईस्ट के अंदर,
तो ईरान को एक लीडरशिप रोल जो है शो करना होगा, उसमें इंटरफेरेंस के जरिए वो अगर ये समझते हैं कि वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकेंगे तो गलत बात है, ऐसा होगा नहीं, अब तक नहीं हुआ। वो अरब भी हैं, वो भी ट्राइबल हैं, तो वो भी अपने जब ट्राइबल उसमें आ जाएंगे ईगो तो वो फिर किसी भी हद पे चले जाएंगे। तो बेहतर यही है कि हम इसको जो है मसालत के जरिए, और ये सऊदीया के लिए अगर ये लिमिटेड ऑप्शन है तो ईरान के लिए भी लिमिटेड ऑप्शन। सऊदीज आर आल्सो टॉकिंग अबाउट सम सॉर्ट ऑफ कोएलिशन टू डिफेंड देयर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाटर रिसोर्सेज। ये तो फिर बुखारी साहब जो है ना, ये माहिर है, इन्होंने सऊदीया में भी सर्व किया और यूएई में भी सर्व किया। ये लोग जैसे अम्बेसडर आसिफ दुरानी ने कहा कि ये फील्ड ऐसा है जिसमें जिन लोगों ने वहाँ सर्व किया है वो शायद इसको डिफरेंट एंगल से देखेंगे। सऊदी अरेबिया, यूएई, जीसीसी के बड़े एक्टिव मेंबर्स हैं। इसके अलावा इनके यूनाइटेड स्टेट के साथ स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप डिफेंस में और अदरवाइज भी है, और बायलैटरल अरेंजमेंट्स भी डिफरेंट कंट्रीज के साथ इनके हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो अभी जो पिछले एक हफ्ते से जो मामलात जीसीसी में गल्फ में हुए हैं, इसका बेहतरीन हल एक्टिव डिप्लोमेसी से ही मुमकिन है। यहाँ पर एक और कोलेशन या एक और अलायंस बनाकर किसी एक कंट्री को टारगेट करना मसले का शायद हल नहीं होगा। अम्बेसडर दुरानी जैसे बता रहे थे कि ईरान की रिलेशनशिप जो है गल्फ़ के कंट्रीज़ के साथ बेहतर नहीं है, तो मैं यहाँ ये ऐड करूँगा कि ईरान के कतर के साथ और ओमान के साथ बनिस्बत दूसरे मेंबर कंट्रीज़ के बेहतर ताल्लुकात हैं। उनके यहाँ उनका आना जाना भी है, उनकी ट्रेड भी है, उनके कल्चरल रिलेशन भी बड़े अच्छे हैं, और इकोनॉमिक रिलेशन भी ईरान के इन दोनों ममालिक के साथ और शायद कुवैत के साथ भी कुछ ना कुछ हालात बेहतर हैं। उनके अगर हालात ख़राब हैं तो वो सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ हैं, और यूएई के साथ बहरेन, बहरेन बहरेन है, यस, यूएई के साथ भी उनका जो है ना लो डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट ये रहता है, कभी उनके डिप्लोमेटिक जो कम्युनिकेशन है वो कोई बंद नहीं हुई यूएई की और ईरान की। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि जो नई जो हालात पैदा हुए हैं ये सऊदी अरेबिया के लिए जहाँ तक एक चैलेंज है, वहाँ एक अपॉर्चुनिटी थी की ओपनिंग भी दे रहा है। जैसे कि आपने देखा कि आज ही न्यूज़ थी कि ईरान के सदर को और उनके वज़ीर ख़ारजा को अमेरिका ने वीज़ा दे दिया है और वो न्यूयॉर्क जाएंगे, तो वहाँ एक ओपनिंग है जहाँ ये हेड्स ऑफ डेलीगेशन मिल के कुछ इसका हल ढूंढें, क्योंकि यही एक हल है जो कि पीस की तरफ जाएगा। अदरवाइज अलायंस एंड काउंटर अलायंसेस इससे हालात मज़ीद बेहतर होने की बजाय बिगड़ेंगे। अच्छा, टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर एक्सपीरियंस इन द गल्फ, ये मुझे बताएं कि गल्फ में अमेरिकन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, चाहे कतर हो, चाहे बहरीन हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, और उनका मिलिट्री हार्डवेयर भी है, and they have this most sophisticated weapon system, air defense system, everything is there, and they are all pointed towards one country, that is Iran. See, now in sab cheezon ke bawajood ye kya wajah hai? Acha, unhone aapko imagery bhi di sari ke ji ye attack hua hai yahan se attack hua, aur they gave me everything jiske basis pe unhone kaha ki ye houthis nahi kar sakte ye. तो मुझे ये बताएं कि ये क्या वजह है कि लास्ट ईयर सऊदी स्पेंड अबाउट 67 बिलियन डॉलर्स ऑन डिफेंस परचेसेस, तो ये सब चीजें होने के बावजूद, अमेरिकन्स के उधर होने के बावजूद, एक्सीलेंट रडार सिस्टम होने के बावजूद, हाउ इज इट दैट दे वर नॉट एबल टू डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द मिसल्स, और ना वो ये भी नहीं बता पा रहे कि जी ये आए कहां से हैं, तो फिर उन सब डिफेंस जो इनके हार्डवेयर को फायदा क्या है? देखें, ये जैसे आपने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स का बड़ा स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड है गल्फ में, तमाम कंट्रीज़ में है, कहीं कम है, कहीं बहुत ज़्यादा है। अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को भी ये जन्म देता है कि इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है क्या ये इस अटैक में, जिसको यूएस अमेरिका का जो पेट्रियाटिक
एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी डिटेक्ट नहीं कर सका। तो इसका मतलब है कि क्या वहाँ ये जो सिस्टम लगाए गए हैं नकारा है, ये सिर्फ एक जगह पे नहीं है, बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं। पहले जितने भी अटैक हुए हूतीज की तरफ से उनको रोका गया और तबाह किया गया। इस बार क्या हुआ कि ये जो अटैक था, ये जो ड्रोन थे, ये मिसाइल थे, ये अपने टारगेट तक पहुँच गए। कुछ लोगों ने इसके बारे में रायजनी की है, वो ये कहते हैं कि जी इराक में जैसे US फोर्सेज हैं उन फोर्सेज में कुछ ऐसे एलिमेंट भी हो सकते हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्ट अमेरिका के साथ ना हो और उन्होंने वहाँ से अटैक किया हो और इन लोगों का ताल्लुक एक ऐसे मिडल ईस्ट के मुल्क के साथ है जिसको तमाम मुसलमान ममालिक अपना दुश्मन समझते हैं। क्या कि ये उसका इसमें हाथ तो नहीं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी क्रेडिबल रिपोर्ट सामने नहीं आई जो ये साबित कर सके कि इसके पीछे डायरेक्ट ईरानियन हैंड है। मैं ये समझता हूँ कि जब ऐसे अभी UN के एक्सपर्ट जो हैं वो शायद सऊदी अरब पहुँच चुके हैं, वहाँ उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है। जो माजी का एक्सपीरियंस है इराक जो वार हुई थी रिसेंटली, उसमें जिस किस्म की रिपोर्ट्स UN के इंस्पेक्टर ने दी वो इतनी क्रेडिबल नहीं थी। आप क्या इतनी क्रेडिबल रिपोर्ट देंगे कि पूरी दुनिया उस पर यकीन कर सके कि ये ठीक है? तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जो आप जो मुस्लिम उम्मा की बात करना बड़ा अजीब लगता है, जो पिछले कुछ महीनों और सालों से जिस प्रोसेस से मुस्लिम उम्मा गुजर चुकी है, लेकिन मैं इस समय तो हमें बहसीयत मुसलमान भी ये इसको देखना होगा कि दो मुसलमान ममालिक आपस में इतने डायरेक्ट अपोजिट अपने आ गए हैं कि लड़ाई जंग की बात हो रही है। जंग दोनों ममालिक के और मुस्लिम उम्मा की फेवर में नहीं है। ये कोई ऐसा इशू नहीं है जो कि डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस के रिजॉल्व ना हो सके। तो मेरा ये ख्याल है कि वो ममालिक जो सऊदी अरेबिया के और ईरान के दोनों के हमदर्द हैं उनको आगे आना चाहिए और इस मसले का कोई ऐसा हल ढूंढें जो दोनों ममालिक के लिए नहीं, गल्फ के लिए और पूरी मुस्लिम उम्मा के पीस और सिक्योरिटी के लिए बेहतर हो। ये जो मुस्लिम उम्मा की आपने बात की, ये तो एक वो यूटोपिया सा बन गया है। आई डोंट थिंक देयर इज, तो मुस्लिम उम्मा जैसी बात नहीं रही। हर मुल्क के अपने अपने इंटरेस्ट्स हैं और मुस्लिम उम्मा का तो इट हैज बीन रेलिगेटेड टू काफ़ी पीछे हो गया। मैं इस पर थोड़ा सा मज़ीद ऐड करूँगा। देखिए सऊदी अरेबिया में हमारे मुसलमानों के मुकद्दस तरीन मुकाम होते हैं, हरमैन शरीफ हैं, और ईरान में, इराक में, सीरिया में भी मुसलमानों के मुकद्दस मुकाम होते हैं, ज़ियारतें हैं। तो इस लिहाज से एक तरफ आप देखें तो सऊदी अरेबिया पूरे मुसलमानों का बहुत पसंदीदा मुल्क है, इस लिहाज से हर किसी का दिल चाहता वहाँ जाए, हर कोई कंसर्न है अगर वहाँ कोई ऐसा वाक़या हो जिससे मुस्लिम उम्मा का इतिहाद जो है उस पर फर्क आता हो। तो मुस्लिम उम्मा का इतिहाद तो था ही नहीं ना कभी, ये तो एक अफसाना है कि अफसाना है, कोई सोच है जो कि हर मुसलमान की ख्वाहिश है। पर्सनल इट्स इंटरेस्ट ऑफ द टू कंट्रीज व्हिच आर एट कॉन्फ्लिक्ट, सो दे आर फाइटिंग बिकॉज़ ऑफ दैट इररिस्पेक्टिव व्हेदर दे आर मुस्लिम कंट्रीज और नॉट। लेकिन इससे इन दोनों ममालिक के लड़ने से, इन दोनों ममालिक के जो इख्तलाफात से मुस्लिम उम्मा का वो इतिहाद जो हर मुसलमान की ख्वाहिश है उस पे फर्क आता है। ख्वाहिश हो सकती है बट थैंक यू वेरी मच रियाज। अच्छा तारिक, कमिंग टू यू, हमने अभी डिस्कस किया कि सऊदी अरेबिया के क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। जब ये मसला शुरू हुआ तो ट्रंप ने कहा वी आर लॉक्ड एंड लोडेड, रेडी फॉर एवरीथिंग, ठीक है। जो उनके माइक पोम्पियो थे उन्होंने कहा कि इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, तो इट वॉज दिस। एंड देन आफ्टर मिस्टर पोम्पियो विजिटेड सऊदी अरेबिया एंड देन ही वेंट टू UAE, द रेटरिक वाज टोन डाउन। So what was happening? It was all sound and fury, signifying nothing. अब आप मुझे ये बताइए, keeping in view के जो ट्रंप के अपने भी constraints हैं, what are the options for the Americans? ऐसा लगता है जैसे ट्रंप की जो frustration थी ना, जो अफगानिस्तान के बाद build up हो रही थी, उसको कुछ लोग इसका कुछ फायदा उठाना चाह रहे हैं। This is my opinion. बात यह है कि अब तक तो दुनिया में ये होता आया कि आप नेगोशिएशंस करते हैं या डिप्लोमेटिक तरीका तैयार करते हैं, वो अगर ना जाए तो फिर आप सेंक्शंस की तरफ जाते हैं, वो भी अगर नाकाम हो जाए तो मिलिट्री एक्शन लेते हैं या आप थ्रेट देते हैं मिलिट्री एक्शन की।
यहाँ पे लगता है कि बिल्कुल उल्टा ये फार्मूला कर दिया, उनके पहले मिलिट्री थ्रेट के ऑप्शन देते हैं, उसमें शायद ये चेक करना चाहते हैं कि ये किस हद तक हम उनको दबा सकते हैं, या ये है कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन इस तरीके से जाहिर करते हैं, यू नो ये एक नातजर्बाकारी भी है, हालांकि इनको अब 3 साल होने वाले हैं ट्रंप को भी, तो इसलिए इनके बारे में ये कहना कि जी ये किस सीक्वेंस में जाएंगे, कैसा जाएगा, और गिवन हिज ओन पर्सनैलिटी के जी ये काफ़ी वो है, इनको अनप्रिडिक्टेबल शख्सियत है, और ये अपने डिसीजन जो है वो इनकी कोशिश ये होती है कि इदारों को बाईपास करें, नेशनल सिक्योरिटी उनका जो है काउंसिल है या उनकी अदर एजेंसीज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है, उनको बाईपास करें और अपना एजेंडा जो है वो जो उनके जहन में है उसको करें। वो आपको नजर आता है जैसे इन्होंने मुख्तलिफ अपने कोलीग्स को जिनको भी ये पढ़े, पहले तो बड़े हाइपरबोलिक किस्म के उनके वो इंट्रोडक्शन होते हैं कि जी ये आ गया है जो हमारे काम कर सकता था, फिर जब उसको निकालते हैं तो सिर्फ एक ट्वीट से निकाल देते हैं। तो ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है सारी सिचुएशन की, वो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा काउंटर प्रोटेक्टिव चीज है फॉर ऑल ऑफ अस, यू नो, क्योंकि हम इस रीजन में हैं जिसमें ईरान तो हमारा बिल्कुल हमसाया है, सऊदी अरब के साथ हमारे हैं, और जाहिर है कि खुदा ना खासा अगर कोई सिचुएशन होती है तो हमारे लिए एक बैलेंसिंग एक्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो वो आप हमारे पॉलिसी मेकर जब उस सिचुएशन से ओहदा भरा कैसे होंगे, वो एक बहुत ही आप कह रहे हैं कि फाइन डिप्लोमेटिक स्किल्स की उसके लिए जरूरत होगी। डू यू थिंक, इसी चीज पे आगे बढ़ाते हैं, डू यू थिंक कि जो अटैक हुआ इट इन एनी वे कॉन्स्टिट्यूट्स अ थ्रेट ऑन US नेशनल इंटरेस्ट्स? It doesn't. You see, it doesn't. वो आगे by stretch of imagination तो आप किसी चीज को भी कहीं फैला के ले जा सकते हैं ना, और अभी तक तो ये अटैक का पता भी नहीं चला कि अटैक का ओरिजिन क्या था, कहाँ से आया। फॉल्स फ्लैग अटैक्स आप देखें माजी में भी इस्तेमाल करते रहे हैं मुख्तलिफ मुल्क, और स्पेशली ये अमेरिका और इनके एलाइज जो हैं इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे इनको सूट करता है, जब ये इनको दिल चाहे ये कह सकते हैं जी के सद्दाम के पास ये वेपन्स हैं, ये कह सकते हैं लीबिया के पास ये वेपन्स हैं, और वो बाद में खुद ही अगर, और फिर इनको वो टोनी ब्लेयर जैसे लोग मिल जाते हैं सेकंड करने के लिए बाद में। अब ये बात और है कि टोनी ब्लेयर को किस तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है उसके अपने मुल्क में भी, इंटरनेशनली भी, या जिस तरीके से आप देखेंगे फिर जो इनके उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जिन्होंने UN में जाकर दिखाया कि ये तो बड़ा बहुत बड़ी थ्रेट है, इनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। बाय द वे ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाली स्टोरी इतनी नई नहीं है, मुझे याद है 1989 में भी इन्होंने एक सुपर गन का इल्जाम लगाया था इराक के ऊपर कि ये एक सुपर गन है, उसे बहुत बड़ा शोर मचा था कि ये सुपर गन है, ये पता नहीं ये कर देगी वो कर देगी, सो दे डू दीज थिंग। बात यह है कि जब मीडिया भी आपके साथ मिल जाए, एकेडमी में भी मिल जाए और आपके साथ थिंक टैंक्स भी मिल जाए, तो फिर आपके लिए ओपिनियन फॉर्मिंग इतना बड़ा इशू नहीं रहता जैसे हम जैसे छोटे मुल्कों के लिए है। हमें कश्मीर पे फॉर इंस्टेंस इस तरह है मुश्किल हो रही है दुनिया भर में अपने हम नवा पैदा करने के लिए, इनके लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि अगर वो मीडिया जो लोग कंट्रोल करते हैं जो ओन करते हैं उनके इंटरेस्ट भी वही हैं जिनको आप आगे लेके जा रहे हैं, फिर काम आसान हो जाता है। सर आसिफ, कमिंग बैक टू यू, आपने ईरान में सर्व किया है, सो इनफैक्ट यू हैव सर्व ट्वाइस देयर, so you have an idea of Iranian how the system works and their psyche. ye to fact hai ki Iran has been upping the ante there, wo Iran karta raha hai aur kar raha hai in the past, dekhe unhone pehle wo jo and this happened after this withdrawal from the nuclear deal, पहले उन्होंने कहा कि जी हम अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट इंक्रीज कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने वो जो टैंकर पे अटैक हुआ वो था अगेन ईरान वाज ब्लेम, फिर सीजिंग द टैंकर्स ये हुआ, देन दे आल्सो शॉट डाउन द ड्रोन, उन्होंने कहा कि जी ये हमारे उसमें इलाके में आ गए हैं तो दे शॉट डाउन, अमेरिकन सेड नो दैट डज नॉट हैपन, एंड दैट ब्रॉट द टू कंट्रीज टू द ब्रिंक ऑफ वॉर। नाउ देयर इज अ पैटर्न हियर, दे आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी of these actions. तो क्या है, is Iran panicking? What are the motives behind Iranian actions? I think Iran is reacting to the evolving situation. Iran, as you know, is now 4 decades of revolutionary setup. It's almost the second generation which is there. They are well entrenched. Clergy is well entrenched, और उन्होंने जो उनके क्रेडिट में है वो उन्होंने मुल्क में लिटरेसी रेट 97% ले गए।
universal education, and they are the leader in public health, which is, has been recognized by WHO. ये इनके credit में है. और उसके अलावा जो distribution of wealth है, वो उसका जो concentration जो monarchy के time में था और अब है, उसमें खासा फर्क पड़ा है. और खासकर जो poverty alleviation है, उसकी तरफ इन्होंने बहुत काम किया. Having said that, और आज भी जबकि वो under sanctions हैं, उनका per capita जो है almost $4,700 है. तो ये एक middle income countries की. Is it real or artificial? नहीं नहीं real की बात हो रही है. मतलब it's it has been calculated by the IMF and World Bank, अच्छा. not by Iran. Okay. So ये अपनी जगह. और आप जब ईरान अब भी आप विजिट कर लें तो आपको पावर्टी तो नजर नहीं आती कहीं किसी जरूरत में. और ईरान आपको किसी सूरत में भी कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री भी नज़र नहीं आता. ये तमाम चीज़ें कहने के बाद अगर आप ये देखते हैं कि जो ये खासकर आफ्टर द न्यूक्लियर डील जिसे आप JCPOA कहते हैं, ये 2015 में साइन हुआ. बल्कि जब ये नेगोशिएशंस कंप्लीट हो गए अराउंड फरवरी 2015, सो इनफैक्ट सऊदीज हरेड फॉर दिस अटैक ऑन द ऑन यमन. वो ये चाहते थे कि ये किसी तरह से रोक जाए. वो और उस वक्त ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खासी एंथुजियास्टिक थे अबाउट दिस न्यूक्लियर डील. अगर सऊदीज ज़रा इंतज़ार कर लेते रेजोल्यूशन 2216 जो यमन के बारे में अडॉप्ट की गई थी, तो उसमें ये हो सकता था कि ईरान प्रियम्प्ट हो सकता यमन में. वो उस पर ईरान पे भी वो ऐसी लैंग्वेज ला सकते थे कि वी शुड हैव फॉरबिडन ईरान इन इंटरफेयरिंग इन यमन और हेल्पिंग हूतीस. लेकिन सऊदीज ने अपना वो ऑप्शन भी जो है खो दिया. और नतीजा ये निकला कि जुलाई 2015 में ये JCPOA या जिसे हम न्यूक्लियर डील कहते हैं ये साइन हो गया. लेकिन उसके बाद अमेरिकन एक ऑनेस्ट पार्टनर के तौर पे एमर्ज नहीं हुआ. इवन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी ये सैंक्शंस, अमेरिकन सैंक्शंस जो थी वो ईरान से लिफ्ट नहीं हुई. उन्होंने ये कर दिया कि हाँ जी बाकी दुनिया जो है वो उससे पहले अंडर डमाटो लॉ 1996 जो उन्होंने सैंक्शंस उस पर लगाई थी बाकी दुनिया पे भी कि आप $10 million से ऊपर जो है ईरान के एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो उन्होंने हटा दी थी. उन्होंने अलबत्ता जो उनका जो ओफेक डिपार्टमेंट है यूएस ट्रेजरी का, उसने ये कहा कि अमेरिकन पर्सनैलिटीज एंड एंटिटीज आर फॉरबिडन डूइंग बिजनेस. और उन्होंने इसी तरह बैंकिंग सिस्टम पे भी वो जो सारी कदरन थी वो मौजूद थी. नतीजा ये निकला कि इवन इफ सैंक्शंस वर लिफ्टेड अंडर द JCPOA, स्टिल countries could not do normal business because their banking system is linked dollar. और ये dollar की ना होने की वजह से ईरान की ट्रेड फिर भी नहीं बढ़ सकी. तो एक तो frustration ईरान के पास वो मौजूद है. दूसरा ये है कि ट्रंप के आने के बाद उन्होंने अनाउंस किया कि जी वो तो अपने इलेक्शन कैंपेन में भी कह रहे थे कि इट्स अ बैड डील और हम आके जो है उससे विड्रॉ कर जाएंगे. तो लिहाजा विद इन वन ईयर ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन ही विथड्रू एंड देन ही स्लैप्ड स्ट्रिक्ट सैंक्शंस. और जो जिसका नतीजा हम सब के सामने है. इस वक्त ईरान की जो 2.7 मिलियन बैरल जो एक्सपोर्ट थी वो कम होकर 2-3 लाख बैरल पर डे पे आ गई हैं. तो इसमें ईरान मैं नहीं समझता कि कसूरवार है. उसमें अमेरिकन्स ने जो है वो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से ऑनवर्ड्स जो है इस ईरान पे स्क्वीज बढ़ता रहा है. तो इसमें ईरान का तो व्हाट आर द मोटिव्स बिहाइंड दिस एक्शंस Iranian actions. Definitely to bring Iran to its knees. No. Motives behind Iranian actions. No, Iranian actually they are reacting to that because if it was a British who had actually arrested the Iranian ship, and then Iran reacted to that, and I think that's and they have said it that if we cannot sell oil, yes, Foreign Minister Jawaz Zarif said if we cannot sell oil, then we'll not allow others. Yes, absolutely. So I think they are justified in that, and mind you, it's a revolutionary setup. Mm-hmm. Those revolutionaries are still very much there, and IRGC is very much there. They are ready to go to any extent. Tariq, coming to you, we have discussed various aspects of this escalation and these tensions. Tell me one thing: how do you think
the regional countries will react if this tension keeps on escalating. और अभी उनका टिप मुख्तलिफ जो मुल्क हैं, इसमें रशिया हो गया, चाइना हो गया, चाइना की कुछ बात आसिफ ने भी की, जनरल रिएक्शन क्या होगा? इस तरह है, जब ये इस तरह के काम शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर वो कहते हैं जी कि लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं, बात आपके हाथ से निकल जाती है, जिसको मुनीर न्याजी ने पंजाबी में कहा कि गल जो एक बार शुरू हो जाए, एक बार जब शुरू हो जाए तो गल फिर हमें मुक्ति नहीं, तो ठीक है ना, फिर वो अपने लॉजिकल एंड की तरफ जाते हैं, लॉजिकल एंड आप शुरू में डिटरमिन नहीं कर सकते। हैविंग सेड दैट, बात यह है कि इसके दो किस्म के आप देखना फॉलोअप होंगे, इसके सिक्योरिटी के हिसाब से भी होंगे और इसके आप देखें ऑयल प्रोडक्शन के लिहाज से भी होंगे, और ये सारे डिस्टेबलाइजिंग होंगे फॉर द रीजन, फॉर द वर्ल्ड। फॉर इंस्टेंस, अगर सिचुएशन इस तरह की आ जाती है कि जी पर्शियन गल्फ जो है वो उसका ब्लॉकेट हो जाता है, ब्लॉकेट के बाद फिर वो ये होता है कि जी किसी इंटरनेशनल फोर्स के हवाले हो जाता है, या वो उसका कोई कोलिशन जो है वो उसका कंट्रोल ले लेती है, ईरानियों को वो अगर वो एक बिल्कुल दीवार के साथ दबा देते हैं, ईरानियों कैसे रिएक्ट करेंगे? सऊदीज के भी आप देखें ऑयल प्रोडक्शन ऑलरेडी जो है वो खराब हो चुकी हुई है। अब आपको ये डिटरमिन करना है कि सारे सिचुएशन से फायदा किसका होगा, जब ये सारे ईरान का भी आपने कोशिश करके, अब उनकी जैसे आसिफ ने कहा कि उनकी ऑयल इंडस्ट्री तो अभी बिल्कुल वैसे ही बुजुर्ग हो चुकी हुई है ना, उसको रिप्लेस नहीं आप कर सकते। सऊदीज को आपने ये जो सिचुएशन है उसमें अगर वो उनकी ऑयल सप्लाई वहाँ से जो है वो भी होती है, ऑयल सप्लाई कहाँ से होगी, क्योंकि अभी फिलहाल आप फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट हैं, नॉन फॉसिल फ्यूल तो समवेयर इन द डिस्टेंट फ्यूचर होगा ना जी, हमारे जैसे मुल्कों के लिए आपके लिए क्या होगा, फिर आपके लिए पॉलिटिकली क्या है हमारे लिए, ठीक है। मैं अभी सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मे बी इनिशियली गल्फ के जो मुल्क हैं वो बड़े खुशी में अपने बगले में जा रहे होंगे, जी हमें इवेंचुअली वो भी डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर बात यह है कि द बिग प्लेयर्स, ठीक है, रशिया कैसे क्या करता है, चाइना क्या करता है, इंडिया की जैसे पहले बात हो चुकी है, इंडिया से पहले ही गेम वो आराम से गेम कर लेते हैं अमेरिकन प्रेशर पर, रशिया के साथ इनके डिफेंस का बहुत करीबी है, चाइना का आसिफ ने जैसे कहा कि 400 बिलियन डॉलर्स की इनकी इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है और दूसरी चीज़ों में भी है, ये प्लेयर्स कैसे करते हैं? तो अभी तो ये बिल्कुल एक इनिशियल है इन सारी चीज़ों को, और ये इवेंट सारे किस तरफ जाएंगे अगर ये इनको कोई समझदारी से अभी ना रोका गया तो ये सिचुएशन काफी अगली हो सकती है। रशियंस ने तो पहले ही कि दे आर वॉर्न्ड अगेंस्ट एनी एस्केलेशन, एग्जैक्टली, ठीक है ना, लेकिन तो, लेकिन अगर नॉन एस्केलेशन हो जाती है गॉड फॉरबिड, ठीक है, फिर वो हालात किस तरफ जाएंगे, कितना किस किस्म की एस्केलेशन होगी, क्या वो सिर्फ इस हद तक होगी कि जी सेंक्शन है, वो सेंक्शन आप कह रहे हैं जी फाइनेंशियल जैसे भी लगाई है, क्योंकि अब जो वॉर है ना मॉडर्न वॉरफेयर को कहते हैं जी वॉर जो है ये फाइनेंशियल वॉरफेयर है, एक बड़ा अच्छी किताब इस पर लिखी जा चुकी है और लिखी भी एक अमेरिकन ने, द ट्रेजरीज वॉर, वो कहते हैं जी कि अब ये वॉर आपके डीओडी से या पेंटागन के हाथ से निकल के काफ़ी हद तक ये उन प्लेयर्स के हाथ में जा चुकी है जिनके हाथ में असला तो नहीं है लेकिन जिनके पास ये ताकत जरूर है कि वो आपको स्क्वीज कर दें। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा जी, रियाज, इंटरनेशनली व्हाट डू यू सी हैपनिंग? हम मतलब ये तो जो यूएस के एलाइज हैं दे हैव बीन वेरी सर्कमस्पेक्ट इन देयर स्टेटमेंट्स। या लोग किसी ने भी इतनी क्लियर कट स्टेटमेंट सपोर्टिंग यूएस रिएक्शन टू दिस यू नो मोबाइल अटैक दे हैव नॉट कम आउट यू नो suggesting any warlike situation with against Iran, like France, UK, Germany, Italy, Japan, and on the other hand, you know the trilateral meeting held, summit meeting held in Ankara. Where you know Russian and Chinese leadership were there. Russia, Iran, and Turkey. Yeah, yeah, they were also there. So their statement entered, you know, I would say the joint communique, it actually called for restraint. They are you know asking for you know patience, and they are demanding that detailed investigation of this attack should be conducted before you know drawing any final conclusion. So apart from I would say US, no other country has you know come out with a clear cut statement blaming Iran
of having a direct hand in this attack. मुझे एक सिर्फ बात यहाँ पे ऐड करनी है जो रियाज ने कहा आसिफ और पहले बात हुई इसमें देखिए स्टेट्स के इंटरेस्ट तो हैं जो हम आप डिस्कस कर चुके हैं लेकिन देखिए इसमें बहुत बड़ी बड़ी ऑयल कंपनियों के इंटरेस्ट भी हैं अमेरिकन एक इलेक्शन अप्रोच कर रहा है ठीक है और ये बड़ी बड़ी ऑयल कंपनियां जो हैं इनके इंटरेस्ट हंड्रेड ऑफ बिलियन डॉलर में जाते हैं उनको क्या सूट करता है वो कैसे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरफ पुश करते हैं वो सारा सारा कुछ बिहाइंड द सीन होगा आपको और मुझे उसकी खबर आसिफ मैं एक चीज ऐड कर सकूं ये जो जैसे मैंने सब ने पहले अपने इंटरवेंशन में कहा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का हमेशा से जब से सऊदी किंगडम बनी है एक बड़ा डिफेंस में उनके बड़ा डायरेक्ट रोल रहा है अभी भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आर्म्स जो है इंक्लूडिंग एयर डिफेंस सिस्टम सऊदी अरेबिया को प्रोवाइड किए गए जिसके अलावा दूसरी गल्फ स्टेट्स को अब यहाँ पर एक ट्रस्ट लेवल का भी इशू आ गया है कि सऊदी लीडरशिप या शायद ये सोचने पर भी मजबूर होगी कि इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बावजूद वो इस किस्म के जो मिसाइल या ड्रोन अटैक है उसके खिलाफ कुछ नहीं करता बिल्कुल ठीक है ये हम डिस्कस अच्छा आसिफ फाइनल द वर्स्ट केस सिनेरियो हम क्या करेंगे What are our options? Well, ours is a tightrope walking, I must say. क्योंकि एक तरफ ईरान है जो डायरेक्ट नेबर है वो है जिसके साथ हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है वो कंट्री है जिसने which was the first to recognize us. वो है कि जो ईरान और पाकिस्तान हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं सऊदी अरबिया के साथ भी नो डाउट हमारे इमोशनल अटैचमेंट है हरमैन शर्मिक खान के अलावा सऊदी लीडरशिप ने पाकिस्तान के साथ जो है काफ़ी एहसानात किए हैं आई शुड यूज़ द वर्ड एहसानात ये इसमें भी कोई शक नहीं इसके अलावा हमारा तकरीबन 25 लाख जो है वो वर्कर है वो वहाँ पे काम कर रहा है ये एक इस तरह का है लिहाजा पाकिस्तान इस खत्ते का बड़ा मुल्क है बल्कि अगर आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन ईरान टर्की और गल्फ को मिला दें तो तभी पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादा बनती है पाकिस्तान बड़ा मुल्क है एक एटॉमिक पावर है ठीक है हमारे इस वक्त इक्तिसादी हालात ख़राब हैं वो कोई नई बात भी नहीं और कोई बुरी बात भी नहीं क्योंकि ऐसे कई ममालिक थे जिनके हालात बुरे थे तो वो ठीक हो गए हमारे हालात भी ठीक हो जाएंगे इस वक्त हमारे लिए जो सबसे बड़ा जो प्रूडेंस डिमांड्स दैट वी शुड डिस्प्ले स्टेट्समैनशिप और उसमें वी शुड प्ले द रोल ऑफ अ ब्रिज ये अलग बात है कि ईरान ने हमारे जो मीडिएशन है उसको एक्सेप्ट किया था 2016 और उस वक्त के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ उन्होंने ईरान का भी विजिट किया था सऊदी अरब लेकिन सऊदी चूँकि वहाँ ईरान की नई नई सऊदीया की एम्बेसी इन्होंने जला दी थी तेहरान में तो इसलिए वहाँ गुस्सा ज़्यादा था लेकिन हमें मेरे ख्याल में ये कोशिश करते रहना चाहिए और मुझे मेरा ख्याल है कि ये कोशिशें जारी भी हैं वजह ये है कि इस खत्ते में अमेरिका तो अगर है वो कोई उनकी मोहब्बत में नहीं है सऊदी से अमेरिका यहाँ पे है अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कोल्ड वॉर पीरियड में ऑयल का प्रोटेक्शन था उसकी अश्योरेंस थी अनइंटरप्टेड सप्लाई के लिए और इस वक्त उसका ये है कि चूंकि टेंशन है तो उसने असला कैसे बेचना है और ऑलरेडी वो $300 बिलियन का असला बेच चुका है और वो उसको ये बड़ी खुशी होगी कि अगर ये टेंशन जारी रहते हैं तो वो अपना असला भी बेचे और अपना इन्फ्लुएंस भी बरकरार रखे और अपने बूट्स को भी कमिट ना करें ग्राउंड पे उसके लिए फिर ये होगा कि वो प्रॉम्प्ट करेंगे पाकिस्तान को कि वो जी अपने फौजी वहाँ जो है दे सऊदीया को सऊदीया के साथ हमारा बायलैटरल एग्रीमेंट तो हो सकता है फॉर सऊदीज इंटरनल सिक्योरिटी और सिक्योरिटी विद इन इट्स बॉर्डर्स यानी उसके जो डिफेंस के लिए हम उसको कर सकते हैं उसमें कुछ दुनिया को एतराज नहीं हो सकता इवन ईरान को भी नहीं हो सकता ईरान का इराक के साथ ऐसे ही मुआहदा है सीरिया के साथ भी मुआहदा है हाँ सऊदीया के बहस पे अगर कहीं हमें ईरान के साथ लड़ना पड़े ये ठीक बात नहीं जैसे ही जैसे हम यमन में सऊदीया के बहस पे यमन नहीं जा सकते थे और हम नहीं गए वजह और ये ठीक भी हुआ कि हम नहीं गए कि इस वक्त हम पाकिस्तान इवन
यमन के कॉन्टेक्स्ट में भी जो है वो ब्रिज का रोल अदा कर सकता है, मीडिएटर का रोल अदा कर सकता है, ईरान के कॉन्टेक्स्ट में भी अदा कर सकता है। तो हमें इस बात पे इंसिस्ट करना चाहिए, अपने सऊदी फ्रेंड्स को भी ये बताना चाहिए कि देखिए वॉर की बातें शायद रोमांटिक हो सकती हैं, कोई अच्छी हो सकती हैं, हो सकता है आपके पास पैसा अभी सुख ज़्यादा, लेकिन ये पैसा ऐसे उड़ जाए। ठीक, तो इसलिए फाइनल वर्ड, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सऊदीया के डिफेंस में मदद करें, लेकिन उसके बेहस पे हमने जो है पर्शियन गल्फ को क्रॉस नहीं करना। हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए उनसे रिक्वेस्ट ये है कि वो ये अगर मीडिएटर का रोल अदा करें और इन्हें करना चाहिए तो वो सारा ये सारी चीज़ें क्वाइटली होती हैं, ये टीवी की स्क्रीन पे आके या माइक्रोफोन पे आके सोचना जो है ये सेंसिटिव चीजें हैं, ये आप बिल्कुल रिजल्ट अनाउंस करें जब कोई बात भर जाए, बाकी सारे काम जो आप करें वो क्वाइटली करें। जी हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी सऊदी अरेबिया में थे और अब वो न्यूयॉर्क में उनकी इंगेजमेंट से प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी उनकी मीटिंग है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो ईरानियन लीडरशिप के साथ भी वहाँ मीटिंग करेंगे और इस जो दौरे में मेरा ख्याल है कि शायद कोई अपॉर्चुनिटी पैदा हो जाए कि हम जैसे कि अम्बेसडर असदुल्लाह ने कहा कि ब्रिज बनने की कोशिश करें और इन दोनों ममालिक के जो इख्तलाफात हैं उनको कम से कम करने की कोशिश करने में अपनी मदद। लेट्स होप दे एक्सेप्ट आवर मिलिट्री रोल। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू हैव जस्ट बीन वाचिंग दिस प्रोग्राम अबाउट द टेंशंस इन द गल्फ। द सिचुएशन इज स्टिल इवॉल्विंग बट द स्टेक होल्डर्स व्हिच मींस ईरान, सऊदी अरेबिया, यूके, दे हैव टू एक्सरसाइज मैच्योरिटी। ईरान हैज टू रियलाइज दैट एवरी सच इंसिडेंट इंक्रीजेस द टेंपरेचर्स, so there has to be restraint exercised. There is no doubt the fact that they are under immense pressure economically, but they have to come to the negotiating table. Similarly for the Americans, they must realize now that they cannot conquer the spirit of a nation by these sanctions. They may have cowed down they may have subjected the Iranians to miserable conditions of life, but they have not been able to conquer their spirits. For President Trump, he needs to come to the table. For this, he would need cooperation of his allies like France, like Germany, like Britain, who have been very circumspect in their statements. They are obviously not happy with Donald Trump, because he refused to accept their suggestion to go against this deal. Will Mr. Trump resort to diplomacy? Time will tell. Thank you very much for watching.